नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दे पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल संचालकों और शिक्षाविदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं यशवीर सिंह, चेयरमैन छोटराम पब्लिक स्कूल प्रतला से बोल रहा हूँ। शिक्षा के स्तर को हम शुरुआत से ही अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे। घर परिवार में माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसमें सभी का कमी है, सभी के योगदान की कमी है। अगर नैतिक शिक्षा बच्चों को स्कूल स्तर से ही दी जाएगी तो उनका मॉरल विकास होगा और इसको एक प्रकार से वीक में एक सब्जेक्ट के रूप में भी रखना चाहिए। नैतिक शिक्षा को, यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के संदर्भ में मैं ये कहता हूँ कि इसको मैट्रिक लेवल से जब बच्चे का थोड़ा मॉरल विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है, तो तब उसको एक सब्जेक्ट तो नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ उसके बारे में बताना चाहिए। नहीं देखो, ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल वाले मेहनत करते हैं, ये ठीक है कई जगह प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन मेहनत कराते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। शिक्षा के माध्यम से बच्चे अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। शिक्षा को बच्चे अगर सीरियसली पढ़ के चलेंगे, शिक्षा ही स्टूडेंट का, बच्चों का मानसिक विकास करती है। शिक्षा से ही सारे हमारा समाज पढ़ा लिखा होता है। शिक्षा से ही बच्चा बाहर अपना भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। खबरों में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 48।